हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आए हुए हैं राजगीर, और राजगीर में हम अभी ब्लॉग दिखाने वाले हैं आप लोगों को सोन भंडार का। तो आप लोग हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। चलिए सोन भंडार का हम पूरा व्यू दिखाते हैं कि दोस्तों, चलिए अब हम सोन भंडार का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। भंडार का एंट्री यहीं से होता है, और देख लीजिए सोन भंडार, ये गुफा है। राजगीर आते हैं आप लोग, यहाँ पे आके पिकनिक भी मना सकते हैं सोन भंडार गुफा के अंदर। और देख लीजिए सोन भंडार पूरा पहाड़ के काट को बनाया गया है। देख लीजिए यही सोन भंडार गुफा है, और सोन भंडार गुफा पूरा पहाड़ के काट के बनाया गया है। और देख लीजिए कितना अच्छा से पहाड़ को काटा गया है और कितना अच्छा से बनाया गया है। चलिए कुछ और पास से हम पूरा व्यू दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चढ़ते हैं और सोन भंडार का पूरा व्यू दिखाते हैं। अंदर आके आप लोग फोटो वोटो भी शूट कर सकते हैं, और देख लीजिए नज़ारा कितना अच्छा है। चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, पहाड़ के काट के पूरा गुफा बनाया गया है, और ये है सोन भंडार। आप लोग यहाँ पे आके फोटो वोटो ले सकते हैं। चाचा जी से हम पूछेंगे, सोन भंडार के बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, ये जगह का प्राचीन स्पॉट है। ये सारे मिट्टी के अंदर में ढका हुआ था। 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड कनिंघम ने खुदाई करके बाहर किए हैं। ये दो गुफा मिला है। देख लीजिए सोन भंडार, ये गुफा कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। और चलिए कुछ और अंदर का हम व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। भंडार गुफा के अंदर जाया जाता है। तो ये सोन भंडार गुफा है, देख लीजिए कुछ इस तरह का व्यू है। पूरा पहाड़ के काट को बनाया गया है गुफा को। आप लोग को ये जितना दिखता होगा पूरा पहाड़ के काटा गया है और गुफा को बनाया गया है। भंडार गुफा के बारे में बता रहे हैं, चलिए पूछते हैं। कुछ बता रहे हैं, ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और एक मंत्र लिख दिए। बताऊंगा कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो ये दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन हकीकत कहाँ तक सच है, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगा कर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह बाघ होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं हकीम, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, इसे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। जिस भय से 1945 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून पारित किए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5,000 रुपया जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। अब इसका जो लिपि है ये देखा जाए बाबू, आइए। जैसा कि दोस्तों और भी सर कुछ दिखा रहे हैं, चलिए बताते हैं। प्लीज सर आइए हकीम, यही देखिए प्राचीन जमाने का शिलालिपि है। शब्दों में भी है, सिंबल में भी है। इसी लिपि के बारे में इतिहास में वर्णन है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे, रीड एंड डिकोरेट करेंगे, तो वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी। तो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। पुरातत्व सर्वेक्षण वालों का कहना है कि संख लिपि है, क्योंकि प्राचीन जमाने में संख लिपि चलता था, और जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए और 6 महीना वहाँ चलता रहा। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी, रत्न दधि, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में संख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ नहीं। तो सोन भंडार गुफा के अंदर से जैसे ही बाहर निकलिएगा तो बाहर का कुछ इस तरह का व्यू है, और देख लीजिए व्यू कितना अच्छा है। और सर जी अंदर गुफा के बारे में पूरा बता रहे थे, आप लोग वीडियो में देखे होंगे, और हमें उतना गुफा के बारे में पता नहीं था, इसीलिए हम सर जी से पूछ रहे थे। और देख लीजिए यहाँ पे आप लोग पिकनिक भी मना सकते हैं, बैठकर पार्टी भी कर सकते हैं। और सोन भंडार गुफा देख लीजिए कितना अच्छा नज़ारा आप लोग को दिख रहा है। ये गुफा पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया है। और चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भैया इस जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। फाइनली हम उस जगह का ब्लॉग बना देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, प्यार करते हैं आपसे।